हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी एंड अकेडमी यूजीसी नेट चैनल। कैसे हो भाई? राम राम, सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन सबकी, राधे 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 सबको, राधे राधे। मित्रगणों, प्रियम्बल प्रस्तावना का पाठ अपना चल रहा था और प्रस्तावना प्रियम्बल में मैंने आपको शब्दों की व्याख्या करके बताई है। आज अपन बात करेंगे प्रस्तावना से इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानी है या नहीं है, यानी कि प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, इससे पहले कोई भी विद्यार्थी किसी भी कोर्स का एनरोल करे अन अकेडमी पे, 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज कर सकते हैं। UGC NET JRF के लिए ज्योग्राफी में थ्रोट शुरू कर रहा हूँ, 4 जुलाई से पेपर फर्स्ट शुरू है, तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, रेफरल कोड यूज कर सकते हैं राजेंद्र 10। अब बात करेंगे अपन क्या प्रस्तावना के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे। प्रस्तावना या उद्देशिका, एक ही बात है बच्चों, प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही होता है। प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही होता है। अगर मैं बात करूं आपके सामने तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 में बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव पहली बार कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरा संविधान का अंग है या नहीं है? प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? प्रस्तावना संविधान का अंग, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला केस की अगर बात करूं, 1950 में गोलकनाथ एक मामला था, गोपालन केस था, 1950 का गोपालन केस, 1950 का गोपालन मामला। इस गोपालन मामले में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। भाई ये प्रश्न पूछते हैं रे, याद रखना है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसमें बोला? गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। याद रखना है, पहली बात प्रस्तावना भाग नहीं है, दूसरी बात इसी केस में क्या कहा गया, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है प्रस्तावना, दूसरी बात इसी में प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है।
परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसी केस में क्या कहा गया, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, स्रोत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात किसमें कही है, ये बात कही है आपके गोपालन मामला 1950 में, याद रखना है, क्लियर। अगला अब बात करेंगे बेरुबाड़ी मामला 1960 का, इसी में दूसरा है बी, बेरुबाड़ी मामला, बेरुबाड़ी मामला 1960, बेरुबाड़ी मामला 1960, इसमें क्या कहा गया है, प्रस्तावना बेरुबाड़ी मामला 1960 इसमें कहा गया है, प्रस्तावना मार्गदर्शक हो सकती है, प्रस्तावना मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है, मार्गदर्शक सिद्धांत, सिद्धांत के रूप में है, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है, प्रस्तावना मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या बोला गया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें भी ये बोला प्रस्तावना मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में हो सकती है लेकिन संविधान का भाग नहीं हो सकती, संविधान का भाग नहीं, प्रस्तावना मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में हो सकती है लेकिन संविधान का भाग नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में हो सकती है लेकिन संविधान का भाग नहीं, ये आपको याद रखना है, क्लियर है ये चीजें। LIC मामला 1995 में, आगे की अगर मैं बात करूं आपके सामने इसी क्रम में, तो LIC मामला 1995, LIC मामला 1995 का, इसमें क्या कहा गया है मित्रों, भाई याद रखना है, इधर ये बेरुबाड़ी जो मामला है आपका, बेरु मामले संविधान का भाग नहीं माना है, और इसमें LIC से पहले अपन एक और कर लेते हैं, LIC से पहले अपन केशवानंद भारती और करते हैं, केशवानंद भारती मामला, भारती मामला केशवानंद भारती मामला 1973, केशवानंद भारती मामला 1973 का है, 1973 केशवानंद भारती मामला 1973, इस केशवानंद भारती मामला 1973 में क्या कहा कि प्रस्तावना केशवानंद भारती मामला 1973 में प्रस्तावना में क्या बोला गया, संविधान में क्या बोला गया कि संविधान के भाग के रूप में स्वीकार है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, यह आपको ध्यान रखना है। केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, देखो इसी में इसको भाग माना है, बाकी किसी में भी इसको भाग नहीं माना है, तो याद रखना है, ये पूछा जा सकता है भाई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो प्रस्तावना को संविधान का भाग केवल केवल किसमें माना गया है, केशवानंद भारती केस में, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
दूसरी चीज अगला है LIC केस, LIC केस 1995, LIC केस 1995 का, 1995 का LIC केस 1995 प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा कि प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, संविधान का आंतरिक हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है। हिस्सा है प्रस्तावना आंतरिक हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। LIC केस 1995 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये तो हो गए अंग, अपन ने बात करी है अंगों की, प्रस्तावना या उद्देशिका ये संविधान का अंग है या संविधान का अंग नहीं है, इसके बारे में अपन ने बात करी है, ये तो ये चीज है। अब बात करेंगे अपन प्रस्तावना में संशोधन, उद्देशिका में संशोधन, अगला बिंदु है अपना उद्देशिका में संशोधन, उद्देशिका में संशोधन यानी कि प्रस्तावना में संशोधन, ये अगला बिंदु है आपका उद्देशिका में संशोधन, उद्देशिका में संशोधन। तो उद्देशिका में संशोधन की अगर मैं बात करूं, क्या इसमें प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना, उद्देशिका का मतलब क्या होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारतीवाद 1973, इसमें क्या कहा प्रस्तावना को संविधान का इसने भाग मानते हुए, इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जैसे पीछे अपन ने किया है, ऊपर ही लिखा है केशवानंद, देखो भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है याद रखना है, मानते हुए आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती मामले में कहा है कि संशोधन किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कि जो मूल ढांचे का ही उल्लंघन कर दे, लेकिन लेकिन ऐसा संशोधन नहीं, ऐसा संशोधन, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं जो मूल ढांचे का ही क्या कर दे, उल्लंघन कर दे,
जो मूल ढांचे का ही क्या कर दे, उल्लंघन कर दे। संशोधन कर सकते हो, उल्लंघन करे, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए जो मूल ढांचे का ही क्या कर दे, उल्लंघन कर दे। ये आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में क्या होता है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना में अगर संशोधन की बात करें तो इसी क्रम में क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 व प्रस्तावना। इससे क्या लेना देना है इसका प्रस्तावना से, 42वां संविधान संशोधन 1976 व प्रस्तावना, इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि प्रस्तावना में यह पहला वह अंतिम संशोधन है, पहला वह अंतिम संशोधन है, पहला वह अंतिम संशोधन है, पहला वह अंतिम संशोधन है। कुल मिला के बात यह है कि प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, याद रखना है, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, ये पहला और अंतिम संशोधन है। पहली बात तो, दूसरी बात, इस संशोधन के तहत क्या किया गया है, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में समाजवाद, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा, जैसे शब्दों को जोड़ा, शब्दों को जोड़ा। शब्दों को जोड़ा और इनको जोड़कर ये शब्द प्रभावी कब हुए, ये शब्द प्रस्तावना में, ये शब्द प्रस्तावना में, ये शब्द प्रस्तावना में, ये शब्द प्रस्तावना में 3 जनवरी 1947, ये 3 जनवरी 1977 47 कहाँ से आ गया, 3 जनवरी 1977 को ये क्या हो गए, प्रभावी हो गए, ये शब्द प्रस्तावना में 3 जनवरी 1977 से क्या हो गए थे, प्रभावी हो गए थे, प्रभावी हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रस्तावना का पहला और अंतिम संशोधन माना जाता है। पूछता है कई बार कि निम्न में से कौन सा प्रस्तावना का संशोधन है या नहीं है। अब दूसरा, प्रस्तावना का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, महत्व, प्रस्तावना की महत्व की बात करूं मैं तो 1960 में, याद करो बेरुबाड़ी केस को, बेरुबाड़ी केस, बेरुबाड़ी केस या मामला, 1960 में बेरुबाड़ी केस या मामला, इसमें क्या कहा कि संविधान के मूल उपबंध जब अस्पष्ट होते हैं, इसमें कहा कि जब संविधान के, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल उपबंध, मूल उपबंध अस्पष्ट होते हैं
है स्पष्ट का मतलब किसी की व्याख्या नहीं कर सकते। है स्पष्ट मूल उपबंध, मूल उपबंध, मूल उपबंध। जब संविधान के मूल उपबंध अस्पष्ट होते हैं, मूल उपबंध अस्पष्ट होते हैं तो उनकी व्याख्या के लिए, तो उनकी स्पष्टता के लिए, मैं ये लिख दूं, उनकी स्पष्टता हेतु हेतु हम किसका सहारा लेते हैं? हम प्रस्तावना की सहायता लेते हैं, हम प्रस्तावना की सहायता लेते हैं, हम प्रस्तावना की सहायता लेते हैं, प्रस्तावना की सहायता लेते हैं। जब संविधान के मूल उपबंध अस्पष्ट होते हैं तो उनकी स्पष्टता हेतु हम प्रस्तावना की क्या लेते हैं? सहायता लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? दूसरा इसी में देखो एक चीज, 1973 केशवानंद केश में, केशवानंद केश में, 1973 केशवानंद केश में प्रस्तावना को क्या माना गया है? 1973 केस में प्रस्तावना को क्या माना गया? संविधान का मार्गदर्शक, संविधान का मार्गदर्शक, संविधान का क्या मान लिया? मार्गदर्शक माना है। ये आपको ध्यान रखना है, माना है। ये आपका प्रस्तावना है, पूरा प्रस्तावना का पाठ ये कंप्लीट मेरी ओर से हो चुका है मेरे दोस्तों। और शाम को 5 बजे यदि आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं इसी के लिए, पॉलिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप 5 PM मेरे को टेस्ट दे सकते हैं। कहाँ पे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होता है। और मॉर्निंग में ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी 9:30 बजे अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं। कोई भी प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप रेफरल कोड Rajendra10 यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी डिटेल कोर्स के लिए Rajendra10 यूज करें। विश ऑल द बेस्ट, बाय। आप सभी का दिन, टेक केयर।